अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक मेडिसिनल फ्लावर शेयर करने वाली हूं, जो कि हर जगह अवेलेबल होता है, लेकिन ये एडिबल है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी है। ये मेरी तरह बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये फ़्लावर, इसके फ़ायदे और रेमेडी भी दिखाऊँगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना, और अगर आप लोगों की इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता देना। इस फ्लावर का नेम जो है वाइट क्लोवर है, साइंटिफिक नेम स्क्रीन पे आ जाएगा। लोकली इसे दर्ब मिंदुक कहते हैं। ये फ्लावर एडिबल है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। यहाँ हमारे विलेज में कोई भी इसे एज ए मेडिसिनल यूज़ या खाने में इस्तेमाल नहीं करता। अब लोगों को बता दूँ, ये इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल से ली है, और जो रेमेडी मैं आगे शेयर करने वाली हूँ वो भी मैंने गूगल से ली है। अब मैं इसको कलेक्ट करूंगी, बाकी की रेमेडी और यूजेस मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना। इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इट इज़ मेनली यूज टू ट्रीट फीवर, कफ एंड कोल्ड, ब्लड क्लींजिंग वगैरह वगैरह, बाकी आप लोग खुद गूगल पे सर्च कर लो। इसको सुखा के पाउडर भी बनाया जाता है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को टी रेसिपी दिखाऊंगी। तो इतना जमा हुआ है जो कि काफ़ी है। अब हम इसका टी बनाएंगे, तो एक कप फ्रेश वाइट क्लोवर लेंगे और चार कप जो है पानी लेंगे। 1, 2, 3 and 4। अब इसको बॉइल करेंगे। अब मैं इस वाइट क्लोवर को एक गिलास जार में डालूंगी। और इसको थोड़ा सा साफ करेंगे। तो पानी उबल चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको लगभग 30 मिनट के लिए सोक करके रखेंगे। अगर ज़्यादा इफ़ेक्टिव चाहिए तो हम इसको लगभग 3-4 घंटे के लिए सोक करना पड़ेगा, तो मैं इसको लगभग 3-4 घंटे के लिए रखूँगी। इसका कलर जो है हल्का सा अभी से चेंज हो गया है, लाइट ग्रीन हो गया, आप देख सकते हैं। तो अभी लगभग 3 घंटा हो गया है और इसका कलर चेंज हुआ है। मुझे रेमेडी के हिसाब से इसको फ्रिज में रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा, अभी लाइट नहीं है। तो फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा सा ही ट्राई करूँगी। टेस्ट के लिए इसमें हनी या शुगर डालूँगी। तो टेस्ट के लिए मैं हनी डाल रही हूँ। तो फिलहाल इतना ही ट्राई करूँगी, बाकी का स्टोर करके रखूँगी। अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो फिलहाल तो इसमें हनी डाल के मुझे अच्छा टेस्ट आया, थोड़ा सा वाइट क्लोवर का स्मेल आ रहा था जो कि अच्छा था ओवरऑल। तो बाकी जो बचा है उसको मैं सुखा के स्टोर करके रखूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मुझे इसका पहले भी बता दिया, मैंने गूगल से ये रेसिपी लिया है और मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये एडिबल है और इसके इतने सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। तो आप लोगों को पता था या पता है, या अगर आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो हमें शेयर ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।